आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? इस्लामी ममालिक की जो खामोशी है वो इस बात का अदाला देती है कि इन्होंने जो एटम बम रखे हैं, एफसीओ जो रेंज रखी है वो हमारे लिए है, वो लबाई की आकसा के लिए नहीं है। ये तो तवाइफ का शुक्रिया कि वो रात खोल गई। उसने कहा के सामने जब कपड़े खोले ना, उसकी रान से खंजर निकला। उन्होंने कहा तुमने खंजर क्यों रखा है? उसने कहा मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए रखा है। इन्होंने तो सब कुछ रखा अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, इन बदमाश चनैदों और याजर भी अपनी हिफाजत के लिए रखी। इन्होंने हतफ भी रखा, अबाबील भी रखा। जब तुमने अतब और अबाबील रखे थे ना, इनके नाम सबसे पहला मुल्क वो फलस्तीन था। इंडोनेशिया से लेकर फलस्तीन तक हर जगह पे मिठाइयां तकसीम की गई। उन्होंने कहा तुम मिठाइयां क्यों तकसीम कर रहे हो? उन्होंने कहा आज पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमिक ताकत बन चुका है, आज के बाद हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मैनी आंख हमारी तरफ देखेगा पाकिस्तान उसकी आंख निकाल के रख देगा। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान मैचों को देखने और दिखाने में खुश हैं। इतनी यशिया खत्म नहीं होती 20 किस्म के खाने खाने के बाद साहबा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब दो या करस्ताई चुना है जो तूने वो रास्ता है सीधा, इसी रास्ते के मुसाफिर हैं सारे। चुना है जो तूने वो रास्ता है सीधा, इसी रास्ते के मुसाफिर हैं सारे। जो रास्ता मुसीबत में घर लेके जाए, हटने वाले दीवाने तुम्हारे। ये रास्ता मुसीबत में घर लेके जाए, नहीं हटने वाले दीवाने तुम्हारे।